हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमरजीत सिंह, करियर सुविधा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्रैश कोर्स का ये सेकंड मॉड्यूल हम लेकर के आए हैं। इससे पहले हमारा चल रहा था हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें मैंने चार वीडियो बनाया था। मुझे जो जो टॉपिक लगा जिससे कि हमेशा क्वेश्चन आता है, उस टॉपिक पर मैं क्वेश्चन करवाया। आज जो मैं लेकर के आ रहा हूँ, आज ट्वेल्थ का चैप्टर है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि एक मैं ट्वेल्थ का मॉड्यूल लूँगा और एक अब आपका एलेवेंथ का, ठीक है। तो आज जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो बहुत ही टॉप स्कोरिंग चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। मैं फर्स्ट वीडियो में ही मैं बताया था कि मैं टोटल 6 या 7 चैप्टर की बात किया था, 7 मॉड्यूल आप समझ लो उसको, कि जिसमें टॉप स्कोरिंग मॉड्यूल था, जिसमें कि हमें मेहनत कम करना है, उस पर उसका सिलेबस कम है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो सारा का सारा स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। अब बात मेहनत की नहीं है, बात यह है कि ये 6-7 जिससे हमें मान के चलो कि 60-70% जो क्वेश्चन है वो 6 इतना ही मॉड्यूल से आने वाला है, ठीक है। तो सारा का सारा मॉड्यूल टॉप स्कोरिंग है। कौन कौन सा मॉड्यूल है, कौन कौन सा चैप्टर है, ये हम लोग फर्स्ट वीडियो में ही डिस्कस कर चुके हैं। तो जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हो फर्स्ट वीडियो, तो आप करियर सुविधा में जाना, करियर सुविधा सर्च करिए। करियर सुविधा सर्च करने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। या फिर दूसरा आप काम कर सकते हैं कि मैं हर एक वीडियो का आप जो है लिंक दे देता हूं डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से लिंक से भी जा सकते हैं, ठीक है। तो आप जैसे भी जाइए आपको मिल जाएगा, उसमें देखिए कि कौन कौन सा टॉप स्कोरिंग चैप्टर है, किस सिक्वेंस में हम लोग देंगे, सारा कुछ मैं फर्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया। तो चलिए आज शुरू करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि मैंने बोला कि हर टॉपिक को जो है टच करना पॉसिबल नहीं है, मैं उसी टॉपिक को टच कर रहा हूं जिससे कि एकदम फिक्स है कि क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। ज़्यादा अब और ये चीज़ है 10 साल के लास्ट 10 ईयर्स का पैटर्न को देखते हुए, अकॉर्डिंग टू 10 ईयर्स पैटर्न जो है मैं बोल रहा हूँ ये, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में कौन कौन सा मैं टॉपिक करूंगा, इस पर कितना वीडियो आने वाला है, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो मैं वीडियो लाने वाला हूँ, टोटल 5 वीडियो होगा। फर्स्ट हमारा जो आज जो देखने वाले हैं वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। देखो इससे कोई पर्टिकुलर डायरेक्ट वीडियो, इससे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन तो नहीं आता है नीट में, बट इसके बाद वाला जो किरचॉप्स लॉ है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है किरचॉप्स लॉ, ठीक है। तो किरचॉप्स लॉ का जो क्वेश्चन है वो उसमें आपको ये जरूरत पड़ जाएगा, तो आपको आना चाहिए पैरेलल सीरीज के बारे में, अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तभी जाकर के आपका किरचॉप्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन हो या फिर आपका कॉम्बिनेशन ऑफ EMF, इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है, या पोटेंशियो कोई भी इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन हो, ठीक है, तो वो बिना इसके क्लियर नहीं है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले इसी को टच कर रहा हूँ, तो इससे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, बट आपको जानना चाहिए, तो इसलिए मैं लेकर के आया हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कुछ क्वेश्चन जो कॉमन क्वेश्चन है कि उसको किस तरह से पैरेलल सीरीज को आर इक्विवेलेंट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो तो आपका ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, नेक्स्ट वीडियो जो होगा किरचॉप्स लॉ पे, थर्ड वीडियो हम लाने वाले हैं अमीटर वोल्टमीटर से रिलेटेड, बहुत क्वेश्चन पूछता है अमीटर वोल्टमीटर से रिलेटेड, ठीक है, तो उससे क्वेश्चन आने वाला है, उस साथ में बीट स्टोन ब्रिज भी उसके अंदर ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक वीडियो हम लोग बनाएंगे पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज पे, और एक वीडियो रहेगा आपका इससे रिलेटेड, अब हीट इफेक्ट से रिलेटेड। तो टोटल आप मतलब ये समझ लो कि 2 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, एक हो गया हीट इफेक्ट से, एक किरचॉप्स लॉ से हो गया, और एक ये, तो टोटल 5 वीडियो जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी में आने वाला। और 5ों वीडियो में जो मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर ये 5 वीडियो आप देखते हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से 99% क्वेश्चन आपसे बनना है। क्यों 99%? हाँ, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका जो बेसिक है, रेसिस्टेंस क्या है, ओम्स लॉ क्या है, या वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ये सब आपको आता होगा। देखो ये पॉसिबल नहीं है 1-1.5 महीने में हर टॉपिक पे क्वेश्चन बताया जाए, बट हाँ जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नीट में, जिस टॉपिक को डायरेक्ट टच करता है, उसको मैं टच कर रहा हूँ, बाकी उसके पैरेलल जो
छोटा छोटा टॉपिक है वो मैं मानकर चल रहा हूँ तो आपका क्लियर है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन जिसमें है उस टॉपिक को ले रहे हैं, तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ये है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। देखो आप, ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है और इतना सबको पता होता है कि आप पैरेलल जो है सीरीज किसको, पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन किसको कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हमारा फार्मूला होगा और सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा क्या फार्मूला होगा, ठीक है। तो फिर भी मैं बता देता हूं, जैसा कि ये जो कॉम्बिनेशन है हमारा, ये किस तरह का कॉम्बिनेशन है, ऑब्वियस सी बात है सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे समझते हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन हमें समझ में आता है अल्टरनेट कनेक्शन। अल्टरनेट कनेक्शन का मतलब है, मैं ये मान के चलता हूँ कि ये रेसिस्टेंस इसका फर्स्ट टर्मिनल है, ये सेकेंड टर्मिनल है। उसी तरह जो ये फर्स्ट रेसिस्टेंस है, ये सेकेंड रेसिस्टेंस है, ये थर्ड रेसिस्टेंस है। तो फर्स्ट रेसिस्टेंस का फर्स्ट सेकेंड टर्मिनल और सेकेंड रेसिस्टेंस का फर्स्ट टर्मिनल, उसी तरह से सेकेंड का सेकेंड टर्मिनल और थर्ड का फर्स्ट टर्मिनल। तो आप देख रहे हो कि ये जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरह का है, अल्टरनेट कॉम्बिनेशन है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। एक तो ये कनेक्शन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि पहचान सकते हो कि सीरीज और पैरेलल में है, सीरीज में कौन है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, करंट। अगर हम करंट की बात करें तो देखो, ये शुरू से ए पॉइंट से अगर बी पॉइंट अगर मानते हैं, तो ए से लेके बी तक में जो इसका पाथ है इस करंट का, वो कहीं चेंज नहीं हो रहा। तो पाथ सेम है, सीरीज जब भी रहेगा तो उसका पाथ सेम होगा, इसलिए करंट भी सेम फ्लो करेगा। बट एक तीसरा पॉइंट जो आपको देखना है कि हर एक रेसिस्टेंस का अपना दो पॉइंट है। आप फर्स्ट रेसिस्टेंस का देख लो, ये दो इंड अलग है, सेकेंड रेसिस्टेंस का ये दो पॉइंट अलग है, थर्ड रेसिस्टेंस ये दो पॉइंट अलग है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, इससे ये पता चलता है कि पोटेंशियल जो होगा इसका अलग अलग होगा। उसी तरह से अगर आप पैरेलल की बात करो तो आप इसी तीनों रेसिस्टेंस को कुछ इस तरह का कंबाइंड करते हैं कि तीनों रेसिस्टेंस का जो फर्स्ट टर्मिनल है एक साथ और सेकेंड टर्मिनल है एक साथ। देखो इसमें कोई अल्टरनेट कनेक्शन नहीं है, इसमें अगर 10 रेसिस्टेंस भी है तो 10ों का फर्स्ट टर्मिनल एक साथ है और 10ों का सेकेंड टर्मिनल एक साथ है। तो इसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इसमें बेनिफिट क्या है कि अगर आप किसी पोटेंशियल डिफरेंस से, मतलब कोई बैटरी कनेक्ट करते हो, तो जो करेंट फ्लो होगा इसके लिए इसको अलग अलग पाथ मिल जा रहा है, ठीक है। इसलिए करेंट जो है इसमें हर एक रेसिस्टेंस में डिफरेंट होगा। लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो तीनों ही रेसिस्टेंस का दो ही पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है और ये दो पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो फिक्स है, इसीलिए तीनों रेसिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। तो कंक्लूजन क्या निकला, तो कंक्लूजन आपका सिंपल है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करेंट डिफरेंट होता है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। उसी तरह से अगर सीरीज की बात करें तो सीरीज में क्या कंक्लूजन निकला, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका करंट सेम होता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है, ठीक है। और फॉर्मूला आपको याद है कि सीरीज रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐड कर देंगे जितना भी रेसिस्टेंस है, अगर जितना भी रेसिस्टेंस है सब सीरीज में होगा तो सबको हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे। और अगर पैरेलल में रहेगा तो कुछ इस तरह का सिचुएशन आता है, इनवर्स 1/r1 + 1/r2 + 1/r3, जो कि लगभग सबको पता होगा, ठीक है। तो ये दो फार्मूला को यूज करेंगे, इस सर्किट में हम लोग पता लगाएंगे कि कौन सा सीरीज में है कौन सा पैरेलल में है। सीरीज में रहेगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे, पैरेलल रहेगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो इसी दोनों फार्मूला को यूज करके हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है, आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए सीखना है। तो चलिए अब लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लो, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर तीन तरह का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलो तीनों में देखते हैं कि हम लोग समझते हैं कि किस तरह से इसका आर इक्विवेलेंट निकालना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में ये पॉइंट और ये बी पॉइंट के बीच में आपको निकालना आर इक्विवेलेंट। अब आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए, आर इक्विवेलेंट का मतलब नेट रेसिस्टेंस, ठीक है ना। ये जो तीनों एक तीन रेसिस्टेंस के, जब अगर एक सिंगल रेसिस्टेंस यूज करेंगे तो वो कितना ओम का रेसिस्टेंस होना चाहिए, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट। मतलब इसके जगह पे एक रेसिस्टेंस को अगर यूज करें तो कितना होना चाहिए, तो आर इक्विवेलेंट है। तो चलो क्या करेंगे इसमें, तो सबसे पहले अगर आप आर इक्विवेलेंट निकालना चाहते हो तो आपको समझ में आना चाहिए दो चीज, कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में है, तभी तो आप फार्मूला लगाओगे।
तो देखो इस तरह का क्वेश्चन का सबसे आसान तरीका, अब ऐसे देखने जाओ तो बड़ा मुश्किल है सीरीज पैरेलल करना। तो आपको टेक्निक क्या याद रखना है, इसमें एक टेक्निक देखो, ये हमारा ए पॉइंट है। एक चीज हमेशा याद रखो कि दो पॉइंट के बीच में सिर्फ वायर है तो दोनों का पोटेंशियल सेम होता है। जब तक इसके करेंट एलिमेंट को ऐड नहीं रहेगा, जब तक उसका पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। मान लो कि अगर इस दोनों के बीच में रेसिस्टेंस है तो ठीक है, इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप होता है, इसीलिए ए पॉइंट से बी पॉइंट का पोटेंशियल चेंज हो जाता है। लेकिन जब तक इस दोनों पॉइंट के बीच में कुछ नहीं है, सिर्फ एक वायर है, तो इसका मतलब है कि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग समझेंगे पैरेलल सीरीज जो है हम आसानी से कर सकते हैं। इस सर्किट जितना भी तीनों सर्किट है उसमें हम यही टेक्निक लगाने वाले हैं। क्या लगाने वाले हैं, तो देखो अगर ये पॉइंट ए है, अब ए से लेकर के यहां तक में कोई पॉइंट दिख रहा है, कुछ नहीं है, इसके बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं, मतलब यहां जो पोटेंशियल होगा, अगर मान लेते हैं इसका पोटेंशियल भी है तो ये भी पोटेंशियल क्या होगा, भी है, ठीक है। अब देखो यहां इस पॉइंट को एक वायर है जो कि डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा है इस पॉइंट को, अभी इस बीच में कुछ भी नहीं है, इस वायर के बीच में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे भी जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि ये पॉइंट यहां से डायरेक्ट एक वायर से कनेक्ट है ये पॉइंट, और इस दोनों के बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, ठीक है, इसलिए पोटेंशियल यहां भी वही होगा जो कि पोटेंशियल यहां भी, ठीक है। अब बात करते हैं बी पॉइंट का, ये हमारा पोटेंशियल वही होगा, अगर मान लो बी पोटेंशियल लेते हैं तो यहाँ भी बी पोटेंशियल होगा, और इस वायर को डायरेक्ट कनेक्ट किया गया इस पॉइंट से, इसलिए इसका भी पोटेंशियल ये होगा। अब पोटेंशियल की बात ना करें, अब हम पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन लगता है, अब हम बात कर रहे हैं कि ये भी पॉइंट ए होगा, वही चलो ठीक है, पोटेंशियल ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मतलब है कि ये भी ए पॉइंट, मतलब ये भी ए पॉइंट की ट्रीट होगा, ये भी ए पॉइंट है, मतलब ये भी जो है पॉइंट ए है, ये भी पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये भी पॉइंट बी है, क्योंकि पोटेंशियल सेम है। अब सिंपल क्या करना है, आपको किसके किसके बीच में निकालना है, ए और बी के बीच में, आप ए पॉइंट इसको लिख लो और बी पॉइंट लिख लो, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। अब ध्यान दो, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में कितने एक रेसिस्टेंस आ गया, तो यहाँ पर एक रेसिस्टेंस ड्रॉ कर लो। फिर देखो ये भी पोटेंशियल ये है, यानी ए पॉइंट की तरह काम करेगा, तो ए और बी के बीच में फिर एक रेसिस्टेंस आ, यही दोनों के बीच में आ रहा, तो एक रेसिस्टेंस ऐड कर लिया। फिर देखो ये रेसिस्टेंस की बात करें, तो ये भी जो है ए और बी के बीच में आ रहा, तो यहाँ भी एक रेसिस्टेंस। तो हम देख चुके हैं कि ये तीनों ही पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए पॉइंट को, और ये तीनों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी पॉइंट को। तो कितना रेसिस्टेंस हुआ, तीन। और आपको पता है कि ये जो कंडीशन है कि तीनों रेसिस्टेंस का ए पॉइंट एक साथ हो और बी पॉइंट एक साथ हो, किसमें ऐसा होता है, पैरेलल में होता है, पैरेलल का आपको फॉर्मूला पता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, R equivalent equal to हम लोग क्या लिखेंगे, 1/R1, तीनों में R same है इसलिए 1/R + 1/R + 1/R, तो कितना हो जाएगा, 1/R equivalent equal to 3/R हो जाएगा। मतलब है कि R equivalent जो है कितना आ गया, R/3। वैसे याद रखो कि अगर पैरेलल में 10 रेसिस्टेंस भी है तो सिंपल याद रखना कि उसका R equivalent कितना होता है, R/N। अगर सेम हो, सारा वैल्यू सेम हो, 10 रेसिस्टेंस है, 10 का वैल्यू सेम है, तो कुछ ही इस कॉम्बिनेशन में होगा, ठीक है। R by N, N किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रेसिस्टेंस को डायरेक्ट, जैसे यहाँ पर तीन था, इतना करने की जरूरत नहीं, सीधे क्या कर देते, R/3 कर देते शॉर्टकट में, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जैसे इसमें किए, इसके लिए भी सेम टू सेम टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है, इसके लिए भी हम यही करने वाले हैं। देखो ये पॉइंट बी है, यहां से लेके यहां तक में कोई वायर है, कोई वायर नहीं, इसका मतलब ये भी पॉइंट हमारा क्या होगा, बी। यहां से लेके यहां तक में कोई वायर है, कोई रेसिस्टेंस है, नहीं है, इसलिए ये भी पॉइंट होगा हमारा बी, ये भी पॉइंट होगा हमारा बी, और ये भी पॉइंट होगा हमारा बी, ठीक है। सारा पॉइंट हम लोग कर लिए, अब हमको सिंपल क्या करना है, सीधा सीधी क्या करेंगे, चलो इसको मिटा लेते हैं, किचपिच हो जाएगा अदरवाइज।
ठीक है। तो इसमें क्या करने वाले हैं, सेम टू सेम पॉइंट ए ड्रॉ कर लो, पॉइंट बी कर लो। अब देख लो, गिन लो कितना है, ए और बी के बीच में एक रेसिस्टेंस, ए और बी के बीच में एक रेसिस्टेंस, ये टोटल कितना आ गया, फोर रेसिस्टेंस, एक दो तीन और चार, ठीक है। चारों पैरेलल में, चारों का रेसिस्टेंस सेम है। अभी बताएं कि इसका आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर बाय एन, तो आर बाय कितना हो जाएगा, फोर, ठीक है। चार रेसिस्टेंस है तो कितना हो जाएगा, आर बाय फोर। बहुत सिंपल, बहुत आसानी से निकल गया, ठीक है। तो ये जो टेक्निक है, ये जो कॉमन जो है पॉइंट के, अगर पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब है सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। इस टेक्निक से बहुत सारा क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से आप सीरीज और पैरेलल समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन देख लिए। उसी तरह से थर्ड क्वेश्चन का अगर बात करें, तो थर्ड क्वेश्चन में भी देख लो, सिंपल, ये पॉइंट ओ है। अब देखो यहां पर देखो, ये बी पॉइंट है, तो ये भी हमारा क्या होगा, बी पॉइंट, और ये भी हमारा क्या होगा, बी पॉइंट। लेकिन यहाँ पे टोटल पॉइंट कितना है, टोटल तीन पॉइंट है, ए बी के बीच में एक पॉइंट और आ रहा है ओ, तो चलो तीन पॉइंट ले लेते हैं। तो यहां पर हम ड्रॉ कर लेते हैं ए पॉइंट, ओ पॉइंट, बी पॉइंट। अब देख लेते हैं कि देखो यहां पर ओ और बी के बीच में एक रेसिस्टेंस है, ओ और बी के बीच में एक रेसिस्टेंस है, ओ और बी के बीच में एक रेसिस्टेंस है, और एक रेसिस्टेंस ओ और ए के बीच में, तो ओ और ए के बीच में एक रेसिस्टेंस है, और ओ और बी के बीच में तीन रेसिस्टेंस है, थ्री रेसिस्टेंस, देयर आर थ्री रेसिस्टेंस बिटवीन ओ एंड बी, ठीक है। अभी एक टेक्निक आपको पता है, आर 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 आर, ठीक है, आपको टेक्निक पता है क्या होगा, ये तीनों पैरेलल में है, पैरेलल के लिए हमारा कितना हो जाएगा, जस्ट अभी बताएं, ये पॉइंट ए, एक रेसिस्टेंस यहां आर, ये पॉइंट ओ, और इसका आर इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे, तीन रेसिस्टेंस है, यानी कितना हो जाएगा, आर बाय थ्री, और ये बी, ये आपको पता है कि आपस में क्या आ गया, सीरीज में, यानी टोटल आर इक्विवेलेंट की अगर बात करें तो आर प्लस आर बाय थ्री, कितना आंसर आ गया, तो R by R plus R by 3, तो 3R यानी 4R by 3, ये आंसर हो गया। तो कितना आसान था, बहुत आसानी से हम लोग सीरीज पैरेलल में समझ गए। देखो बहुत ज्यादा सीरीज पैरेलल का बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है नेट में, मेन जो क्वेश्चन रहता है किरचॉफ्स लॉ यूज हो जाएगा, उसमें थोड़ा बहुत सीरीज पैरेलल यूज होगा, ठीक है। तो मेन जो क्वेश्चन आने वाला है किरचॉफ्स लॉ से क्वेश्चन आता है, मेन जो क्वेश्चन आता है आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन टच करता है, हीट इफेक्ट से बहुत क्वेश्चन रहता है, तो ये सारा टॉपिक है, बट ये जरूरत है, ये पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही इसका जरूरत है। तो चलिए इसको भी लिख लीजिए, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारा नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट नहीं वो सीबीएसई पीएमटी, ठीक है, तो मेडिकल का ही क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो बहुत आसान है, अदरवाइज ठीक है कहीं भी फंस सकते हो। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस 12 ओम पर मीटर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए कंप्लीट सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। देखो एक वायर लिया गया है और उस वायर का क्या खासियत है, तो पर मीटर उसमें कितना रेसिस्टेंस है, 12 ओम रेसिस्टेंस। उस वायर को क्या बना लिया, एक सर्कल, देखो ये एक सर्कल बना लिया गया, ठीक है बनाने दो, जिसका रेडियस तुम्हारा दिया हुआ है, मान लो कि ये सेंटर है, तो ये रेडियस जो है आर इक्वल टू कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पूछ रहा है कि द रेसिस्टेंस बिटवीन इट्स टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए एंड बी, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो कह रहा है ए पॉइंट और बी पॉइंट का आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इस पॉइंट के ऊपर एक वायर, ये जो हमारा वायर है फर्स्ट वायर, ये आर वन की तरह काम करेगा, और ये जो पॉइंट है ये हमारा किसके तरह काम करेगा, आर टू की तरह, ठीक है। तो अगर हमें आर वन और आर टू पता चल गया तो हमारा क्या हो जाएगा, रेसिस्ट, तो आर इक्विवेलेंट निकल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्वियस सी बात है कि ये सारा का सारा यूनिफॉर्म वायर है, इसलिए जितना रेसिस्टेंस ऊपर होगा उतना ही रेसिस्टेंस क्या होगा नीचे, यानी दोनों सेम होगा, चलो ठीक है। अब इसको
इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। सबसे पहले हमको निकालना होगा इस वायर का रेसिस्टेंस। तो देखो 1 मीटर वायर में रेसिस्टेंस हमको दिया हुआ। अब एक बात बताओ, अगर पूरे वायर की बात करें तो कितना आ जाएगा, इस पूरे सर्कल में कितना वायर यूज हुआ होगा, उसका लेंथ कितना होगा, 2πr। तो हाफ वायर का कितना हो गया, πr हुआ या नहीं हुआ। पूरे का हमें पता है कि सर्कल का जो ये पूरा लेंथ होगा वो कितना होता है, 2πr सर्कमफेरेंस के बराबर इक्वल, ठीक है। लेकिन हमें लेना है क्या, ये हाफ, ये सिर्फ इतना लेंथ। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो r इक्वल टू पाई r यानी टोटल लेंथ, ठीक है। अब यहां पर क्या दिया हुआ है कि 1 मीटर में कितना रेसिस्टेंस है, 12, तो इतना मीटर में कितना होगा, इनटू हमें 12 कर देना, ठीक है। तो पाई r का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो कितना होगा, 0.1 मीटर इनटू 12, ठीक है। तो कितना ये आ गया, 1 से होगा यानी 1.2 पाई, ठीक है। 12 × 1 = 0.2 पाई, ये हमारा निकल गया रेसिस्टेंस। ये भी रेसिस्टेंस उतना ही इधर भी हो जाएगा, क्योंकि चलो इसको R1 मान लेते हैं, R2, बट हमें पता है कि R1 इक्वल टू R2 और ये हम मान लेते हैं R, तो ये हम निकल गया। अब इसको अगर हम इस तरह से करें, रेसिस्टेंस के टर्म में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो गया A और ये पॉइंट हो गया B, इस पे दो रेसिस्टेंस कनेक्ट है, ठीक है। एक ये रेसिस्टेंस कनेक्ट है, एक नीचे एक रेसिस्टेंस कनेक्ट है, और दोनों का वैल्यू क्या है, सेम। अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखे कि अगर दो सेम रेसिस्टेंस पैरेलल है तो R इक्विवेलेंट उसका क्या हो जाता है, R बाय 2। R का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इसलिए R इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, 1.2 पाई बाय 2। कितना आंसर आ गया, 0.6। यहां से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर फर्स्ट, यानी 0.6 पाई ओम, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, क्या किए कुछ नहीं था। ये एक वायर है, वायर का पर मीटर आपको दिया हुआ है, कितना रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो हम निकाल लिए कि ये वायर का ए बी पार्ट में जितना ये लेंथ है उतना ये, या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो कि 2πr से पूरे सर्कल का रेसिस्टेंस निकाल लो, उसका हाफ कर दो, ठीक है, जैसे आप चाहो। तो कुछ नहीं किए, वही किए हैं यहाँ पर, या तो 2πr लोगे, अगर पूरा निकालोगे तो 2πr लेके हाफ कर दो, मैं डायरेक्ट कर दिया, ये हाफ है, ये हाफ है, तो सीधा सीधी πr लिख लिए। तो लेंथ हमको पता है, अपर मीटर कितना रेसिस्टेंस ये पता है, तो टोटल रेसिस्टेंस निकल गया। अब ऐसा ही रेसिस्टेंस ए और बी के बीच में दो है, और दोनों जो है वो पैरेलली कनेक्ट है, तो पैरेलली का हमको आर पता है, इक्विवेलेंट कितना होगा, आर बाय 2, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा निकल गया। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका नीट में आया हुआ है, यानी मेडिकल में आपका आया हुआ है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, बट ठीक ठाक क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन है, ठीक है। ये बेसिकली हमारा किस पे बनेगा, ओम्स लॉ पे, और सीरीज पैरेलल तो रहेगा ही, आज का टॉपिक है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं वही क्वेश्चन सेलेक्ट करूंगा जो कि आपका किससे रिलेटेड है, सीरीज एंड पैरेलल से रिलेटेड है, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़ो, इस क्वेश्चन में क्या करा कि इन द सर्किट द करेंट थ्रू द 4 ओम रजिस्टर इज 1 ओम 1 एमीटर। देखो ये जो रेसिस्टेंस दिख रहा है 4 ओम, इससे करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो इससे करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर, ठीक है। करा व्हेन द पॉइंट पी एंड एन आर कनेक्टेड टू ए डीसी वोल्टेज सोर्स, इस पी और एम को अगर किसी बैटरी से कनेक्ट किया जाए तो इसके अंदर कितना करंट फ्लो होगा, 1 एम्पियर, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि एम और एन के बीच में, यानी ये जो 1 ओम रेसिस्टेंस है इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। सिंपल क्या बोल रहा है, एम और एन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। अब देखो यहां पर जो कंसेप्ट लगना है कंप्लीट पैरेलल सीरीज का, इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। आपको क्या बताया स्टार्टिंग में, या आपको पता भी होगा कि अगर रेसिस्टेंस सीरीज में होता है तो करेंट उसमें सेम होता है, बट पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो अलग होता है। उसी तरह से अगर
रेसिस्टेंस पैरेलल होता है तो उसमें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है बट करंट डिफरेंट होता है। ठीक है, अब कैसे समझेंगे, बहुत आसानी से बन जाएगा एक सेकेंड में। देखो साथ में आपको अभी बताएं, अगर ये पॉइंट P है तो ये भी पॉइंट क्या होगा हमारा P, क्योंकि इस दोनों के बीच में कोई भी वायर नहीं आ रहा। उसी तरह से अगर ये M पॉइंट है, ये पॉइंट ये M है तो ये भी M है, तो ये पॉइंट भी हमारा क्या होने वाला है, M ही होने वाला है। इस दोनों को बीच से ऐसे कनेक्ट है, इस तरह से कनेक्ट है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहां भी हमारा क्या होने वाला है, एम पॉइंट होने वाला है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इसका मतलब ये हुआ कि जो 4 ओम इसमें जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा उतना ही पोटेंशियल इसमें भी होगा। अब बाय ओम्स लॉ से एक बात बताओ, उसमें पोटेंशियल कितना आएगा, इस ओम में 4 ओम वाले में कितना पोटेंशियल होगा। तो बाय ओम्स लॉ भी इक्वल टू क्या होता है, आई आर, आर कितना दिया हुआ है 4, आई कितना दिया हुआ 1, तो कितना हो गया 4 वोल्ट। जब इसमें पोटेंशियल हमको पता चल गया तो ये दोनों आपस में पैरेलल है और P और M के बीच में है, इसका मतलब है P और M का पोटेंशियल कितना होगा 4। आप हमें पता चल गया कि इस दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है ये कितना आने वाला है 4। बस हो गया, अब कुछ करना ही नहीं है, एक पॉइंट ये हो गया। अब ये बताओ ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में। अगर ये पैरेलल में है तो इसको एक कर देंगे तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना होगा 0.25। चलो मिटा देते हैं, अब क्या करते हैं कि दोनों का एक ही बना लेते हैं, या एक छोटा सा और फिगर बना लेते हैं आप लोग को समझने के लिए। ये हमारा P पॉइंट हो गया, ठीक है P पॉइंट। अब ये दोनों को हम क्या कर लिए, एक ही रेसिस्टेंस, तो चलो ये हो गया हमारा 0.25। ये दोनों सेम है, क्या होता है R बाय 2, R का वैल्यू कितना हो गया 0.5, तो 0.5 का आधा क्या हो गया 0.25। ठीक है, और ये हमारा N है और ये रेसिस्टेंस हमारा कितना 1 ओम। ठीक है, तो अब कुछ क्या करें, ये हमारा P पॉइंट हो गया और ये हमारा M पॉइंट हो गया, सीधा सीधी ये दोनों पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट के बीच में 3 रेसिस्टेंस था, ये दोनों आपस में पैरेलल पैरेलल था, इसका इक्विवेलेंट निकाल लिए और एक ये हो गया, तो 2 रेसिस्टेंस हो गया ये। तो अब तुमसे क्या पूछ रहा, इसके बीच में M और N के बीच में पोटेंशियल कितना होगा। तो एक बात बताओ, P और M के बीच में पोटेंशियल कितना, 4 वोल्टेज है। आपको पता है सीरीज में पोटेंशियल अलग होता है लेकिन करंट सेम होता है, तो अगर हम करंट की बात करें तो P और M के बीच में जो करंट होगा वो तो दोनों में सेम होगा, और करंट कितना होगा, तो फॉर्मूला P और M के बीच में कितना करंट फ्लो होगा, मान लो I करंट फ्लो होता है तो I का वैल्यू कितना होगा बताओ, तो I बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो I बराबर होता है बाय ओम्स लॉ से V / R। ठीक है, भी कितना दिया हुआ है 4, आर कितना हो गया 0.5 प्लस 1 यानी 1 प्लस 0.5। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल गया, करंट। अब यही करंट तो इसमें भी फ्लो करेगा M और N के बीच में। चलो करंट पता है, रेसिस्टेंस पता है, पोटेंशियल नहीं निकलेगा। फिर आगे बोलेंगे कि भी MN बराबर क्या होगा, I इंटू 1 ओम इंटू आई इंटू आर, आर ये वाला 1 ओम वाला आर इंटू हम 1 ओम कर लेते हैं, इक्वल टू आई तो तुमको निकल गया ना 4 बाय 1 प्लस 1.25, आई इंटू कितना हो जाएगा 1। ये डिवाइड करोगे तो ये अप्रोक्स वैल्यू आएगा, जा चलो कोई बात नहीं, हम जल्दी जल्दी में ऑप्शन लिखना भूल गए, ठीक है ना, कोई बात, तो इसका वैल्यू निकाल लेना तो ये अप्रोक्स आ जाएगा 4 बाय 1.25 कितना हो गया 3.2, अप्रोक्स आंसर 3.2 ही हुआ ना, 1.25 3.2 वही आ जाएगा। ठीक है, तो ये अप्रोक्स आ जाएगा 3.2। चलो प्रोसेस समझ जाते हैं, प्रोसेस आ गया, ये कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हो, प्रोसेस बहुत सिंपल था। क्या था, एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं लॉजिक को। देखिए ये पीएम है, आपको इस रेसिस्टेंस में कितना करंट फ्लो रहा ये दे रहा है, हमने लॉजिक लगाया कि ये पी पॉइंट है और यहां से लेके यहां तक बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं, मतलब ये भी पी पॉइंट है। उसी तरह से एम के लिए भी यहां के बीच में कुछ नहीं, मतलब ये भी एम है। ठीक है,
तो और साथ में देखें कि ये दोनों आपस में पैरेलल है और इसका हम वोल्टेज निकाल सकते हैं ये 4 ओम के लिए। तो 4 ओम में कितना वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा, तो 4 वोल्ट, ठीक है। और यही पीएम के लिए भी हो जाएगा। तो हमने फट से निकाल लिया कि पी और एम के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 4 ओम। और इसको क्या कर दिए, ये पैरेलल है इसलिए आर इक्विवेलेंट निकाल करके हम डायरेक्ट यहां लिख दिए कि पी और एम के बीच में 2 रेसिस्टेंस है। अब लॉजिक क्या लगा कि दोनों रेसिस्टेंस पैरेलल है, हमको तो चाहिए एम और एन के बीच में, बट दोनों में करंट तो सेम फ्लो होगा ना, क्योंकि पी और एम के बीच में ये दोनों सीरीज में रेसिस्टेंस आ रहा है। तो सबसे पहले करंट निकाल लिए क्योंकि वोल्टेज पता है, रेसिस्टेंस पता है। जब करंट निकल गया तो एम और एन के बीच में रेसिस्टेंस भी पता है, तो ओम्स लॉ से भी निकाल लिए। तो बहुत आसानी से हमारा काम हो गया। तो इसको आप देख लीजिए 4/1.25 इसको करोगे तो तो ये अप्रॉक्स 4 आ ही जाएगा, ठीक है ना। आंसर कितना है वैसे देख लें, 3.2 वोल्ट, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। और जल्दी जल्दी ऑप्शन लिखना भूल गए थे, बट ये बहुत अच्छा सा ये नीट का ही क्वेश्चन था। तो चलिए, ये सीरीज और पैरेलल का बहुत ही आसान, इसको इंक्लूड करने के पीछे सिर्फ एक रीज़न है, क्योंकि आगे जितना भी टॉपिक पढ़ेंगे उसमें सीरीज पैरेलल का आपको नॉलेज होना जरूरी है। तो थोड़ा सा एक रिकैप करने के लिए 2-3 क्वेश्चन इसमें देख लिए। तो कल जो हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मे बी कल शाम तक अपलोड या परसों सुबह तक अपलोड कर देंगे, और वो रहेगा किरचॉफ्स लॉ, और ये वीडियो भी आपका। तो चलिए आज के लिए इतना ही।